बोलने वाले बोलते सारा वो दिन ओवैसी साहब जिंदा थे तब से भी सुन रहा हूं हूँ बात इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा हाँ एक बात एक बात मैं जरूर उम्मीद दिलाता यकीन दिलाता हूँ वायदा देता हूँ प्रॉमिस करता हूं अब तो भी कम से कम कार्रवाई शुरू करेंगे द एकर्स आई मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी एंड पार्टी मेंबर्स एंड ऑल ऑल पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इन वर्क द स्टेट आई एम मेकिंग ए ओपन प्रॉमिस इन द ओपन हाउस ऑल दीज थिंग्स विल बी सील्ड राइट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग कोई रजिस्टर नहीं होगा कोई म्यूनिस्पल परमिशन नहीं देगा कोई ग्राम पंचायत परमिशन नहीं देगा किसी भी कीमत पर ना एनओसी भी दिया जाएगा इट विल बी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसका पूरा ऑटो लॉक कर दिया मेंंड्रेड परसेंट ऑल दीज प्रोटेक्टेड फिर सर्वे के बाद वो किस चकल में है क्या है उसके साथ क्या किया जाए हंड्रेड परसेंट वी विल टेक ए फेयरली गुड आई मेंबर दिस इज माई प्रॉमिस टू द कम्युनिटी जो वक्त के ताल्लुक से जो मसला उठाया था मैं तो मैं समझता हूँ कि मेरी आज 20 साल की जो मेहनत है काफी जायदादों को बचाने के लिए वो आज ऐसा दिखता है कि किसी हद तक वो कामयाब हुई कोई छोटी बात नहीं कोई छोटा ऐलान नहीं ये बहुत बड़ा ऐलान चीफ़ मिनिस्टर साहब ने आज किया जिसके लिए मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब का ममनून हूँ मशहूर हूँ और मुसलमानों की जानब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का कि औकाफ़ी जायदादों के तहफ़ के लिए जो उसके रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाने का वादा किया और कोई भी परमिशन भी उनको नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ा ऐलान है मुझसे ये भी अपील की थी कि मैंने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं उसको वापस लेने के लिए हाँ मैं ऑन रिकॉर्ड आता हूँ कि मैं अपने अमेंडमेंट जो पेश किया था वक्त के की जायदादों के तल्लु से उसको विड्रा करता हूँ क्योंकि आपने मौसर जवाब दिया है वफ़ के मामला में उनके तहफ़ के लिए तो मैं आपका ममनून हूँ मशकूर हूँ और मुसलमान ज़रूर आज के इस दिन को याद रखेंगे कि इतना बड़ा ऐलान आपने किया है शुक्रिया साहब